देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान थ्री जो चांद पर उतरा है उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले कि कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा करके वहां का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जा करके वहां पे जिहाद करे, वहां पे जा करके वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो। क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होता है और इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है, अनेक प्रकार की चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। राम राम।